हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 1C, नंबर सिस्टम्स चैप्टर का नाम है और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस 1C एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए, बारीक बारीकी दे रखी है, काफी अच्छी बुक है ये, जिसमें कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। आपको दिया गया है कि ए एक रैशनल नंबर है जबकि बी एक इरैशनल नंबर है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट जरूरी है कि वो एक इरैशनल नंबर होगा, और आपको इसके लिए जस्टिफिकेशन देनी है एग्जांपल दे करके। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं कि लेट ए बी आ रैशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर। इज ए बी नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर? जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो ये क्या है, क्यों है? ये होता ही है कि अगर एक ए जो है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम, यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। इज एन इन रैशनल नंबर। समझ में आया आपको कि अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपको एक इरैशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोडक्ट ऑफ टू, जो कि एक रैशनल नंबर है, राइट, एंड थ्री, रूट थ्री ले लेते हैं, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इज टू रूट थ्री विच इज एन इरेशनल नंबर, राइट, इरेशनल नंबर। तो IRRATION स्टेटमेंट जो स्पेलिंग वगैरह है वो आप देख लीजिएगा, कोई गलती हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं, 9 मल्टीप्लाई रूट एट। रूट एट इरेशनल नंबर है जबकि 9 एक रैशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 9√8 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या आपका जो आंसर आया, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, डेफिनेटली ये आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा, तो लाइक आपको पसंद तो आया ही होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।